नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो आज और कल की घटनाएं हैं। आप सांसद राघव चड्ढा निलंबित, संजय सिंह का निलंबन बढ़ा, संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमानना आचरण के चलते विशेषाधिकार समिति के रिपोर्ट आने तक निलंबन कर दिया है। इसके साथ ही अशोभनीय आचरण तथा नियमों के उल्लंघन के आरोपों में निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक बढ़ा दी गई है। उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं। मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने तथा सदन की एक समिति के लिए 4 सदस्यों का नाम उनकी सहमति लिए बिना प्रस्तावित करने का मुद्दा उठाया है। और अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मणिपुर जल रहा और पीएम संसद में हंस रहे थे, ये कहना है राहुल गांधी का। संसद में विषय कांग्रेस नहीं मणिपुर था, जिस पर सिर्फ 2 मिनट पीएम बोले। प्रधानमंत्री के द्वारा कल लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जब मणिपुर में आग लगी है, हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर जिस प्रकार से हंसी मजाक किया वह उन्हें शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और वहां भारत की अवधारणा आइडिया ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की हत्या कर दी गई है, तथा प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में लगी आग बुझे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, लेकिन इसमें मणिपुर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आया। राहुल ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि संसद के बीच में बैठे प्रधानमंत्री बेशर्मी से हंस रहे थे। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बिजली की कमी, कटौती से ग्रामीण उपभोक्ता 6 घंटे तक रहे हालाकान। खबर है बिलासपुर, मुंगेली और पेंड्रा जिले का, जहां पर ग्रामीण इलाकों में हुई लोड शेडिंग। जी, आपको बता दें कि प्रदेश में एकाएक बिजली की कमी हो गई थी। मांग और आपूर्ति में काफी अंतर होने के कारण कंपनी मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों में 2-2 घंटे के शेड्यूल के हिसाब से लोड शेडिंग करनी पड़ी, जिसके कारण बिलासपुर के साथ मुंगेली और पेंड्रा जिले के ग्रामीणों को गुरुवार को शाम 7:30 बजे से देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास तक बिजली की परेशानी से जूझना पड़ा। राज्य के ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली सप्लाई किसी न किसी कारण से बाधित होती रही। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। सड़कों पर गौवंश, गौठानों में दिखेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार के मॉडल, ये कहना है धर्मलाल कौशिक का। आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने पिछले दिनों बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू के गौठान वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना गौठान भ्रष्टाचार का चलता फिरता मॉडल है, जो छत्तीसगढ़ की सड़कों पर यहां वहां घूमते मिल जाएंगे। यदि आपको भ्रष्टाचार के मॉडल देखने हैं तो आप भूपेश बघेल के गौठान में चले जाइए, जहां पर गौशाला के नाम पर किस तरह से सरकारी मदों का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया देखने को मिलेगा। प्रभारी मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए श्री कौशिक ने कहा कि आप हमें गौठान जाने की नसीहत ना दें, हमने हम चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत आपके 3,948 गौठानों का भौतिक सत्यापन किया, जहां न तो गाय मिली और न ही गोबर और न ही कोई भौतिक संरचना मिली तो सिर्फ और सिर्फ आपके भ्रष्टाचार के निशान। किस तरह से आपने मनरेगा, 14वें वित्त और 15वें वित्त की डीएमएफ फंड, स्वच्छ भारत अभियान के करोड़ों रुपयों को ग्राम विकास में लगाने के बजाय गौठानों के नाम पर डकार लिया, सब देख रहे हैं। सरकार ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में 13,000 करोड़ से भी अधिक रुपयों का भ्रष्टाचार किया है। कौशिक ने आगे प्रभारी मंत्री पर हमला तेज करते हुए कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में आपने ही स्वीकार किया कि 446 करोड़ गोबर खरीदी के एवं मात्र 17 करोड़ की वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री हुई, शेष बचे 429 करोड़ रुपए की राशि का आप सदन को हिसाब नहीं दिए। 2 विषयों में पूरक देने की तैयारी, विश्वविद्यालयों को ऑर्डिनेंस में जरूरी संशोधन करने के दिए गए हैं निर्देश। कोरोना की वजह से प्रभावित हुए अध्यापन का असर अब नतीजों पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीनों दूर रह गए चुनाव के ठीक पहले भूपेश बघेल सरकार राज्य के उन कॉलेज छात्रों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है जो स्नातक की परीक्षा में 2 विषयों में फेल हो गए हैं। ऐसे 72,000 छात्रों को एक ही जगह 2 विषय में पूरक की पात्रता देने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 6 राजकीय विश्वविद्यालयों को पत्र जारी करके कहा है कि 2 विषयों में पूरक की पात्रता देने के लिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मौजूदा नियमों के हिसाब से स्नातक पर केवल एक ही विषय में फेल होने पर पूरक की पात्रता मिलती है। 2 या इससे ज्यादा विषयों में उत्तीर्ण नहीं होने पर छात्र या छात्रा को फेल घोषित कर दिया जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप तक पहुंचानी थी। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।